दुनिया भर च बदलते भू सियासी हालात, अमरीका की अर्थव्यवस्था च सुधार और ईरान ते इजराइल विचाले चल रहे तनाव कारण सोने दियां कीमतां ऑल टाइम हाई ते चल रही ने। अमरीका च न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज ते सोना $2,750 तो उपर कारोबार कर रहा है, जबकि भारत च सोने की कीमत 80,000 रुपए प्रति तोला ते पहुँच रही है। भारत च फेस्टिवल ते व्याहां दे सीजन कारण सोने की भारी मांग है, पर इस दौरान सोने की वधदी कीमत लोगों का बजट बिगाड़ रही है। हालांकि कुछ लोग सोना खरीदने लिए इस दियां कीमतां हेठां आउण दा इंतजार कर रहे हैं, पर दुनिया के बदलते हालात विचाले सोने दियां कीमतां हेठां आउण दी कोई संभावना नहीं है। साल के अंत तक सोना 85,000 रुपए प्रति तोला तक पहुँच सकता है, उत्थे चांदी दियां कीमतां भी वधण दी संभावना है। दुनिया भर च भू सियासी हालात बदल रहे हैं, चीन रूस ते भारत दे हाल ही च इकट्ठे आउण नाल भी बाजार ते आउण वाले दिनां च असर पवेगा। बाजार नूं डर है कि इजराइल ते ईरान विचाले चल रहा टकराव वध जाएगा, जिस कारण सोने नूं सुरक्षित निवेश मन्निया जा रहा है। दिल्ली की खोज फर्म एस एस वेल्थ रिसट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा ने कहा है कि साल 2024 च सोने दीयां कीमतां $2,800 नूं पार कर सकदियां ने, जबकि 2025 च सोना $3,000 नूं पार कर जाएगा। उन्होंने कहा है कि असल च अमरीका दी अर्थव्यवस्था तेजी नाल बदल रही है, महंगाई दर घट रही है, जिस कारण अमरीका के केंद्रीय बैंक फैडरल रिजर्व वालों दिसंबर ब्याज दर च कटौती की जाने की संभावना है। केंद्रीय बैंकों वालों सोने की खरीद वाधा होगा, जिस कारण सोने दी कीमतां वध सकदियां ने। चीन वालों अपनी आर्थिकता सुधारण लिए आर्थिक पैकेज देने की तैयारी की जा रही है, जिस कारण चांदी दी कीमतां भी वधणगियां ते चांदी की कीमत $45 प्रति औंस तक पहुँच सकती है। भारत चांदी की कीमत इस समय 1,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई है, 1,25,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुँचने की उम्मीद है। सोने ते चांदी की कीमत च तेजी का सीधा संबंध ज्योतिष नाल भी है। सोने की नुमाइंदगी करने वाला यूपिटर इस मौके ब्रिख राशि च वक्री स्थिति चल रहा है, जो 4 फरवरी तक वक्री स्थिति च रहेगा। गुरु की यह वक्री स्थिति भी सोने च तेजी लियाउण दा काम करेगी, जिस कारण भी कीमत वध सकती है। गुरु तो इलावा शनि भी 15 नवंबर तक वक्री स्थिति च है, तो शनि धातु की नुमाइंदगी करता है, इस नाल बेस मैटल दीयां कीमतां दे विच तेजी आ सकती है। 20 अक्तूबर नूं मंगल ने कर्क राशि च प्रवेश किया है, तो मंगल का कुंभ च गोचर कर रहे शनि नाल स्टाशटक योग बना गया है। मंगल शनि का यह स्टाशटक योग दुनिया च शांति लिए शुभ नहीं है। मंगल झगड़े का कारक ग्रह है, तो 20 जनवरी तक शनि नाल स्टाशटक योग च रहेगा, इस कारण ईरान इजराइल विटाले तनाव बढ़ सकता है। इस नाल दुनिया के कई देशों जंग के हालात पैदा हो सकते हैं, इसका असर भी सोने के चांदी दी कीमतों पर पवेगा, तो सोने को सुरक्षित निवेश मान के निवेशक इस निवेश करेंगे, लिहाजा सोने दी कीमतां घटने की जगह होर ज़्यादा वधदियां नज़र आ सकदियां ने। ब्यूरो रिपोर्ट द TVNRI। दुनिया भर च बदलते भू सियासी हालात, अमरीका की अर्थव्यवस्था च सुधार और ईरान ते इजराइल विचाले चल रहे तनाव कारण सोने दियां कीमतां ऑल टाइम हाई ते चल रही ने। अमरीका च न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज ते सोना $2,750 तो उपर कारोबार कर रहा है, जबकि भारत च सोने की कीमत 80,000 रुपए प्रति तोला ते पहुँच गई है। भारत च फेस्टिवल ते व्याहां दे सीजन कारण सोने की भारी मांग है, पर इस दौरान सोने की वधदी कीमत लोगों का बजट बिगाड़ रही है। हालांकि कुछ लोग सोना खरीदने लिए इस दियां कीमतां हेठां आउण दा इंतजार कर रहे हैं, पर दुनिया के बदलते हालात विचाले सोने दियां कीमतां हेठां आउण दी कोई संभावना नहीं है। साल के अंत तक सोना 85,000 रुपए प्रति तोला तक पहुँच सकता है, उत्थे चांदी दियां कीमतां भी वधण दी संभावना है। दुनिया भर च भू सियासी हालात बदल रहे हैं, चीन रूस ते भारत दे हाल ही च इकट्ठे आउण नाल भी बाजार ते आउण वाले दिनां च असर पवेगा। बाजार नूं डर है कि इजराइल ते ईरान विचाले चल रहा टकराव वध जाएगा, जिस कारण सोने नूं सुरक्षित निवेश मन्निया जा रहा है। दिल्ली की खोज फर्म एस एस वेल्थ रिसट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा ने कहा है कि साल 2024 च सोने दीयां कीमतां $2,800 नूं पार कर सकदियां ने, जबकि 2025 च सोना $3,000 नूं पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि असल च अमरीका की अर्थव्यवस्था तेजी नाल बदल रही है, महंगाई दर घट रही है, जिस कारण अमरीका के केंद्रीय बैंक फैडरल रिजर्व वालों दिसंबर ब्याज दर च कटौती की जाने की संभावना है। केंद्रीय बैंकों वालों सोने की खरीद वाधा होगा, जिस कारण सोने दी कीमतां वध सकदियां ने। चीन वालों अपनी आर्थिकता सुधारण लिए आर्थिक पैकेज देने की तैयारी की जा रही है, जिस कारण चांदी दी कीमतां भी वधणगियां ते चांदी की कीमत $45 प्रति औंस तक पहुँच सकती है। भारत चांदी की कीमत इस समय 1,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई है, 1,25,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुँचने की उम्मीद है। सोने ते चांदी की कीमत च तेजी का सीधा संबंध ज्योतिष नाल भी है। सोने की नुमाइंदगी करने वाला यूपिटर इस मौके ब्रिख राशि च वक्री स्थिति चल रहा है, जो 4 फरवरी तक वक्री स्थिति च रहेगा। गुरु की यह वक्री स्थिति भी सोने च तेजी लियाउण दा काम करेगी, जिस कारण भी कीमत वध सकती है।
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨੀ ਵੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਧਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਨੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਕੁੰਭ 'ਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਕ ਯੋਗ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਟਾਸ਼ਰਕ ਯੋਗ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਝੰਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਕ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਟਾਸ਼ਟਕ ਯੋਗ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਟਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ TVNRA।